सो गाइस हम पहुंच गए ग्वाचा में। वैसे तोश गांव कहलाता है ये। यहाँ से तोश हिमाचल का वैसे लास्ट विलेज है। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग है आज, और जो ट्रैकिंग है वो खेरगंगा की तरफ है। ऊपर की तरफ जाएंगे हम। यहाँ जो डैम है हम वहाँ से ऊपर से खुदते हुए, इट इज गोइंग टू बी सो मच एडवेंचरस ट्रिप। और हमारे गाइड हैं हमारे साथ, और हमारे साथ होटल में ये रहे हमारे गाइड जिनका नाम गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में है। आई एम सो प्लीज्ड। नाम क्या है आपका? माय नेम इज केशव। 30 सालों से पहाड़ों में घूम रहा हूँ, पूरा रेस्क्यू मिशन ट्रैकिंग गाइड, और इस पार्वती का सबसे पहला ट्रैकर भी है। और हमारे साथ होटल से जा रहा है कमू, जिसने मेरा बैग पकड़ा हुआ है, और लव लगा हुआ चिप्स के पैकेट लेने में, क्योंकि आपको पता है लव बुक खड़ा है एक नंबर का। तो गाइस सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़, जूते बहुत इम्पोर्टेंट है, और जूते और ये लकड़ी स्टिक होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ये डैम इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो भी पार्वती वैली का वाटर होता है। एंड चढ़ाई बहुत स्टीपिंग है। टैक्सी वापस चली जाओ। क्यों जाऊँ यार वापस, इतनी दूर आई क्या हूँ। नमस्ते, यहीं से आप सही है। गाइस पता है जब भी मैं ट्रैक पर आती हूँ ना, मेरे साथ प्रॉब्लम यही रहती है, मैं टॉयलेट कहाँ जाऊँ। पता है मुझे समझ ही नहीं आता, मैं अभी भी जगह ढूंढ रही हूँ, ऐसे मुझे कोई जगह ही नहीं दिख रही जहाँ मैं टॉयलेट जा सकूँ। अच्छा तो एक रात रुक सकते हो वहाँ पे, बढ़िया रिजाई विजाई हीटर वीटर सब देते हो ना? हीटर की आग होती है पापा, हॉल अच्छा। होता है और आग सेकने के लिए बड़ा अच्छा, अब हम बैठ सकते हैं अच्छा। और एंजॉय भी कर सकते हैं आज, लेकिन आज तो सबसे ज्यादा एंजॉय आप ही कर रहे हो। एवरीवन हाय तो कर दो, हाय हेलो नहीं करना, हेलो हेलो हेलो। नाम क्या आपका? करोगे क्योंकि यहाँ लोगों के घर दुकान है सब कुछ है। इनफैक्ट आपको अगर भूख भी लगती है तो यू कैन एक्चुअली हैव फूड, रहने की जगह भी है, और यहाँ तक कि यहाँ के घर छोटे छोटे हैं। उपसी यहाँ तो वो भरा पड़ा है, यहाँ के घर बहुत छोटे छोटे हैं, और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। आप खेरगंगा से आ रहे हो? पूरा वहाँ स्टे किया था? स्टे किया था? बोला बस पैसे इसी ने देने आपको। गाइस तो हम आ गए मिडवे, मिडवे में कैंपिंग है नीचे की तरफ। जो मेरे गाइड है ना वो सब कुछ जानते हैं, उसको उनको हर लोग या तो बच्चे नाना या फिर कुछ ना कुछ प्यार से बुलाते हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है यार उनके साथ। मतलब उनकी मतलब उनको हर चीज़ पता है, उन्होंने बहुत सारी ट्रैकिंग करी है। दूसरी चीज़ थैंक्स टू हम एक जो होटल से आया हमारे साथ, वो छोटा है बहुत एज में, एंड ही पिक्ड अप माय बैग। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स। ऑल दो अगर मैंने बैग उठा रखे तो मैं इतना फ्रीली भाग नहीं रही होती आगे 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 सबको छोड़ के। हम यहाँ झरने तक पहुँचे हैं। जैसे कि अभी बहुत ठंड है और हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई है, और लव मैं से पहले पहुँच कर बैठा हुआ क्योंकि मैं शॉर्ट्स ले रही थी। सो आप यहाँ आके नहा भी सकते हो झरने में। और रुद्रनाथ की क्या स्टोरी है? रुद्रनाथ जो है ना यहाँ का इस एरिया का होली प्लेस है, जैसा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का होली प्लेस है रुद्रनाथ।
जैसा गंगा पानी है वैसे हम जो है यहाँ का गंगा पानी के समान मानते हैं। तो यहाँ जो है गांव में देवी देवता के नहाने के लिए रुद्रनाग जो होली प्लेस है तो कहते हैं कि जो नाग देवता का नीर लगा हुआ नीर से ये पानी जो शुद्ध होता है। और घर संक्रांत के दिन भी लोग यहाँ गांव वाले जाते हैं, नकथान गांव वाले और तोश वाले भी जाते हैं और ये पानी लाते हैं तो घर में पूजा करने के लिए पवित्र होता है ये, तब ये फेमस है। और नाग देवता का स्थान है शिव जी भगवान का ही गले में बने। यहीं पैदा हुआ था आप आंटी? इनका मायका जो है ना तोश में है, मैं इनको जो है ना 20-30-40 सालों से जानता हूँ, पूरा अपना रिलेशन की तरह है। तो तोश का है मायका तो यहाँ इनका जो है ना हस्बैंड है, चौबीस घंटे तैयार है। आंटी मेरी मैगी बना रही है फिलहाल तो वेजिटेबल वाली, अभी हम इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ जो है ना पुराने जमाने में सतयुग में वहाँ खीर की जो गंगा बहती थी, खीर बहती थी। तो खीर जो है ना खीर जो हम खाते हैं, हाँ वो जो मीठा खाते हैं। तो अच्छा, परशुराम जी जो राम अवतार थे जगदम्ब ऋषि के पिता पुत्र थे जी, तो तब परशुराम जी ने कहा कि सतयुग में जो है ना कलयुग में जो है ना खीर के पीछे जो है साधु संत में झगड़ा हो जाए। तो तब उसने जो है ना कलयुग में जो है ना खीर की गंगा को गर्म पानी का खीर के दूध की गंगा मलाई है, वो जैसा जो मलाई निकली थी ना वहाँ पर गर्म पानी के वो वैसे आती है। तब समझा उसने वो इस तरह से तो छोटी मोटी जो है बीमारी भी दूर हो जाती है इससे। तो गर्म पानी से जो स्किन कोई कुछ होता था कि वो तो इससे जो है ना काफ़ी प्रभाव पड़ता है नहाने। तो कितनी देर में आपका स्नोमैन बन जाएगा? ये बन गया। हाँ, दिखता नहीं है। बन गया? अच्छा। ओह, इट्स प्योर, नाइस यार।